मेरे गर्दन पे खूब चोटें आई जो पढ़ने की वजह से आई हैं जी। ये फंदा लग गया था चारों तरफ, तो मेरी साउंड बैठ गई है, डिफरेंट पड़ चुका है साउंड में, और कान पे घूसे वगैरह लगे हैं, लाठी वगैरह लगी हैं, इसमें साउंड में टीटियाँ आ रही है आवाज़, और सिर पे चोट लगी है, शायद किसी ने कुछ मारा है, कुछ पता नहीं लगा, जने बहुत ज़्यादा थे। ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਨੌਰਾ ਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪੇ ਆਪਣੇ ਟਿਪਲਰ ਕੇ ਸਾਥ ਘਰ ਕੋ ਆ ਰਹਾ था, मोटर वगैरह की रिपेयर करवा के, सर्विस वगैरह करवा के, तो मुझे 2 व्यक्तियों ने हाथ दिया जहाँ जंप बना हुआ था। मैंने ट्रैक्टर रोक लिया, मैंने ये कहा मेरे टिपलर पे बैठ जाओ, तो वो टिपलर के बैठने के बजाय ट्रैक्टर पे चढ़ने लग गए और मार कुटाई करने लग गए। मैंने ये पूछा भी क्या बात हुई, कह रहे तुम्हें बताएंगे, अभी बताते हैं। अभी 2 मिनट बीते, पीछे से कम 2 जने और आ गए, घेर लिया गया और ज्यादा मार कुटाई करने लगे। मैंने फोन निकाला अपना, फ़ोन निकालने के बाद मैं घर को फ़ोन करने लगा। जैसे ही मैंने फ़ोन करके घर को ये कहा भी लड़ाई हो गई है, तो मेरे हाथ पे डंडा वगैरह मार के मेरा फ़ोन छीन लिया गया है और मेरी पगड़ी तार दी गई है। फिर इतने में कम से कम भी 40-50 जने पीछे से प्रधान के समेत आ गए और फिर मार कुटाई ज़्यादा करने लग गए। मेरे गले में परना था जैसे ये डाला हुआ अब जी जी, तो ये यूं पड़ा हुआ था, यूं ही खींचने लग गए लगातार और मेरे बाल खींचने लग गए। ये ट्रैक्टर से आ रहे थे अपना गन्ने की पेमेंट लेके, तो इन्हें रास्ते में रोक लिया जी 2-3 लोगों ने हाथ देके, तो इन्होंने समझा अभी शायद मुझसे लिफ्ट मांग रहे हैं और उन्होंने बस इसे पकड़ के बस खींचातान करने लगे। 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद 40 हो गए। वो कहते जी पकड़ो सरदारों को मारो। बस ये इसे तो समझ ही नहीं आई बेचारे को क्या हो गया क्या नहीं। बड़ी बड़ी मसा में जान बचाई और पुलिस चौकी के बिल्कुल नज़दीक की घटना है। भतीजे की पगड़ी तक उतार दी गई, बाल खींचे गए, पगड़ी को नाले में जो है पगड़ी को पैरों से रौंदा गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी धनौरा थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि पुलिस ने मुकदमा कायम किया है वादी की तहरीर पर और मेडिकल और वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्हें सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें आगे और कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। इस मामले नू लेके केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अते DSTMC दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सख्त कार्रवाई की मांग की है।